ओके, मैंने अब तक आपको बताया था, उसके बाद मैंने बोला था कि आज मैं आपको बताऊंगा प्रोवर्ब, प्रोवर्ब्स और सेइंग्स। ठीक, प्रोवर्ब्स और सेइंग्स। इफ द एक्टिव वॉइस स्टेट एनी यूनिवर्सल ट्रुथ, प्रोवर्ब और साइंटिफिक फैक्ट, देन इट कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड और चेंज तक था ना, हाँ, चेंज्ड इनटू पैसिव वॉइस बाय एडिंग इट इज सेड दैट एट द बिगिनिंग पोजिशन ऑफ द सेंटेंस। ओके, तो अब देखिए सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होगा। एक्टिव वॉइस, सेंटेंस स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस प्रोवर्ब और सेइंग, पैसिव इट इज सेड दैट प्लस प्रोवर्ब एंड सेइंग। तो एग्जाम्पल देखिए इसका क्या होगा। द फर्स्ट एग्जाम्पल, एल्डर्स से दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ओके, अब इसको मैं जब पैसिव में चेंज करूंगा तो पैसिव में कैसे होगा ये। पैसिव, इट इज सेड दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ओके, तो आपने इस तरह से क्या देखा। अगर हमारे पास क्या आता है, कोई भी चीज़ आता है, जैसे कि अगर हम प्रोवर्ब को, सेइंग्स को, इन सब को जो यूनिवर्सल ट्रुथ है, इन सब को अगर हम एक्टिव सेंटेंस में यूज़ करते हैं, तो अगर हमें इसे किस में चेंज करना है, पैसिव में चेंज करना है, अगर इसी प्रोवर्ब सेइंग यूनिवर्सल ट्रुथ को हमें सेम सेंटेंस को पैसिव में करना है, तो क्या करेंगे हम लोग। हम लोग खाली प्रोवर्ब सेइंग इससे पहले क्या लिखेंगे, इट इज सेड दैट, मतलब कि ऐसा कहा गया है, इट इज सेड दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ये एक प्रोवर्ब है, ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है, ये प्रोवर्ब है, ये सबको मालूम है, ये सब जानते हैं। पर इसको जब मैंने एक्टिव में लिया है, तो जब मैं पैसिव इसका बनाऊंगा, तो उससे पहले खाली क्या ऐड करूंगा, इट इज सेड टू बी दैट, यानी कि ये कहा जा चुका है, ये ऐसा हो चुका है। इसी को हम लोग कहते हैं एक्टिव से पैसिव कन्वर्ट करना। तो इस तरह से मैंने आपको एक्टिव पैसिव के अंदर
ये सारे कुछ बताए, जहाँ से ट्रांसफॉर्मेशन हम लोग कहते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस बताया, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बताया, एसर्टिव सेंटेंस बताए, और आपको ये भी बताया कि प्रोबोव और सेइंग के साथ हम लोग कैसे इन सबको चेंज करते हैं। आज की क्लास के लिए इतना ही, अगली क्लास में हम लोग दूसरी चीज़ देखेंगे। थैंक यू फॉर दिस क्लास।